पार्किंग करने के बाद ठीक यहीं सामने से मिल जाता है आपको ताजमहल के लिए रास्ता। तो ये स्टार्ट हो चुका है और यहाँ सामने सिक्योरिटी है और यहाँ से करीब 200 मीटर अंदर है ताजमहल। आपको यहाँ से ई रिक्शा अवेलेबल हो जाते हैं, हम फिलहाल पैदल ही गए थे। होता है वो, अगर खाली जाने का भी 100 रुपया लेगा तो भी बहुत है। तो दोस्तों हम लोग मतलब ताज वाली रोड पे चल रहे हैं, 200 मीटर अंदर तक है। ये देखिए मान के बाबा, हेलो। तो चलते हैं ताजमहल अपनी ताज को दिखाने के लिए। तो राहुल राहुल ₹30 में घुमाऊंगा कह रहा है बच्चा। टिकट कहाँ मिलता है बेटा? पे में आ जाओ, तुम दूसरा पकड़ा कोई। राहुल और पूछ तो उनसे कह रहा ₹30 में ले जाऊंगा अभी से ट्रेन। बेटा किस में ले जाएगा? जवानी में। और मेरी गाड़ी में घुमाने का ₹30 लेगा? तो फिर तुमने क्या घुमाया बेटा? ये गाड़ी चलाएगा मतलब? चला जा पकड़। अरे माँ राहुल गिराएंगे कहीं? गिराएगा नहीं। नहीं भैया बता देना। नहीं गिराएंगे। और ओके होगा बता दो। बताओ 50 का लेके 200 का ले? 50 का ले लीजिए। 50 का ले लीजिए, 50 वाला बढ़िया है। ताज में घुमा देगा आपको नीचे। 200 वाले में क्या नुकसान है? 200 वाले में साजा मुमताज की कब्र। जाओ तुम लाइन लगाओ। साजा मुमताज की कब्र पे आओगे ना तो जब लगेगा। चार मानू का तो टिकट नहीं पड़ेगा। 15 साल तक का बच्चा प्रिय दीदी। थोड़े धुरंधर गाइड पकड़ रखे हैं सब, ले रहे हैं 300-400 रुपए। मेरे ये धुरंधर गाइड 30 रुपए ले रहे हैं। दिखाओ आपको घुमा लेगा तू? घुमा लेगा बेंजी? नहीं नहीं एक प्लेट खा के देखो अच्छा लगे तो खाना। स्कूल की छुट्टी पड़ गई? कौन सी क्लास में हो? ये दूसरी में, मैं तीसरी में है। सेकंड में। और ये किसने पकड़ा है थैला हाथ में जूते बेचने के लिए? सुनो जब जब पढ़ के आया था तो काम कर लिया, पूरा ले लिया ना। ना ऊपर ही मिलेगा। कितने की है ये? हैं खाना है बेटा? नहीं नहीं नहीं। तो क्या बोल रहा है? खाना है तो बोलो। हैं खा कर आए हो? आपको मिलेगी यहाँ बाहरी कचौड़ी ले ली हमने ब्रेकफास्ट किया। 20-20 रुपए के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। कोई कह रहा 3 घंटा लगेगा, कोई कह रहा 4 घंटा लगेगा, कोई कह रहा 2 घंटा लगेगा। कहीं लेट ना हो जाए मानू का तो कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मेरी चेकिंग हुई और मेरा पर्स रख लिया गया। यहाँ पे आप अपना पर्स स्टोर करवा के रखवा सकते हैं और आपको एक पर्ची दी जाती है। और मेरे सेल्फ़ी स्टिक भी यहाँ पे अलाउ नहीं थी और सिर्फ मोबाइल पैसे और आई कार्ड मेरे साथ था। और वो जो 2 बच्चे थे रावत जी ने हटा दी थे, बोले थे कि कुछ भरोसा नहीं, हाथ से फ़ोन छीन के भी ले जा सकते हैं तुम्हारे। और यहीं बस थोड़ी दूर पर आगे पानी पीने के लिए यहाँ पर थी टैंकियाँ और अंदर ठंडा पानी भी था। ये नॉर्मल पानी था जो हम लोग पी रहे थे क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ थी। रावत जी ने कहा पी लो क्योंकि बॉटल हम अंदर ही भूल गए थे। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना धूप हो रही भयंकर धूप। गर्मी भी चलो अब अंदर चलते हैं। ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है।
है दोस्तों, बस धूप बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा धूप हो रही है। अगर इसकी सुबह ना आए हो पाए बढ़िया होगा। देखो हाँ, घूम ही ना पाते है ना, बारिश हो गई थी तो रैम भी रैम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से रैम है, वहाँ से रैम है, बट शायद अंदर जाने के लिए नहीं है कुछ भी। तो यह है पहला लुक ताजमहल का, और सच में इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सीनरी में हो, और चारों तरफ ग्रीन ग्रास, गार्डन और सामने वाइट कलर का ताजमहल। ओहो, तो ये देखिए दोस्तों ताजमहल। तो यहाँ से एक और रास्ता है, अभी तक तो व्हील चेयर का रास्ता मिल ही रहा है, देखो दोस्तों कहाँ तक मिलता है। सेल्फी स्टिक मेरी जमा कर दिए, तो या तो मैं ही आ सकूँगी या तो रावत जी आ पाएंगे। और मायरा ये देखो पीछे, हमारे को बहुत ज़्यादा धूप लग गई है, परेशान हो गए। हाँ बहुत धूप लग गई है, तो चलिए एक रैम और मिली। तो मायरा चढ़ रही है, ये भी बोलने की बात है, चढ़ रही है। ये देखो अब यहाँ से नहीं है शायद वहाँ जाने का, शायद। तो दोस्तों इसके बाद मुझे यहाँ से आगे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उनके हिसाब से मेरी व्हीलचेयर से ताजमहल गंदा हो सकता था, तो मुझे अंदर एंट्री नहीं दी, तो मैंने इन लोगों को भिजवा दिया और मैं यहीं पे बैठ गई। तो अंदर नहीं जाने दिया मुझे, बोला कि व्हील चेयर अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं जा पाई, तो मेरे को बाहर ही रोक दिया। ये है A few moments later. अब मैं रोली, अब मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो गया। मुझसे जो भी मिलता है ना, मुझसे यही कहता है कि यार तुम कितने लकी हो, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे हस्बैंड अच्छे मिले,
हस्बैंड अच्छे मिले इस बात के लिए मैं लक समझती हूँ, बट शादी हो गई इस बात के लिए लक मैं नहीं समझती हूँ। कि लक सिर्फ शादी होने से ही नहीं होता है, आपको बचपन से लेकर बहुत अरमान मारने पड़ते हैं। एक शादी होने से ही, मैं कह रही मेरी शादी नहीं होती, बकायदा बस मुझे अगर पैरों में खड़ा किया होता ना तो एक अरमान पूरा, लाखों हजारों अरमान मर गए मेरे। लोग लकी 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 बोलते हैं ना, मुझे पता है छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक ख्वाहिशें जब मरती है ना तो वही इंसान समझता है कितना लकी है। एक शादी होने से इंसान लकी नहीं होता, आप जिससे शादी कर रहे हैं उस पर भी बोझ है, वो नहीं समझता बोझ, मेरे हस्बैंड नहीं समझते, बट खुद को लगता है। अभी जैसे अभी मैं इतना सैड हूँ तो मेरे हस्बैंड खुशी खुशी तो ना गए, मानो कि पापा इतने सैड हो रहे थे वो तो जा ही नहीं रहे थे, अंदर मैंने ज़बरदस्ती भेजा कि जाओ जाओ करके। उनका मन भी मर गया जीवन साथी के साथ घूमने का, ये ताजमहल लोग हस्बैंड वाइफ कपल्स घूमने आते हैं तो उनका अरमान भी पूरा नहीं हुआ। मेरा तो जो गया सो गया, उनका भी लगा मुझे कितना एक उनका भी कितना मन मरता है। तो प्लीज़ मुझे कोई लक्की पुक्की ना बोले आपकी बात नहीं भी, क्योंकि जो मुझे अब लक्की बोलेगा मुझे नहीं पता मैं उसको क्या बोलूँगी। ये रहा ताजमहल, और व्हीलचेयर में दीपा, दीपा ऑन व्हील्स। आज व्हील्स थे तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया, व्हील्स नहीं होते तो मुझे अंदर जाने दिया होता। तो दोस्तों मेरे लिए ये वीडियो रावा जी शूट कर रहे हैं, मैंने कहा था शूट करके लाइएगा ताकि मैं खुद भी देख सकूं और आप लोगों को भी दिखा सकूं कि अंदर का ताजमहल का नज़ारा कैसा है। और मानू तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती ना रावत जी जाना चाहते, बट मैंने फ़ोर्स किया क्योंकि मैं चाहती कि मानू एक बार देख ले। तो ये रहे शाहजहाँ और मुमताज़ बेगम की कब्र है यहाँ पे, और यहाँ पे शूट करना अलाउ नहीं था, रावत जी ने चुपचाप शूट कर लिया इसलिए ज़्यादा ढंग से नहीं कर पाई ये, और अंदर कब्र का इन्होंने शूट नहीं किया। और फिर मानू मेरा दिल बहलाने के लिए कहती मम्मा अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो मेरा दिल रखना चाहती थी। और ज़्यादा उसका मन भी नहीं लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और पानी की बोतल हम वहीं कार में भूल गए थे। तो देखिए कितनी ज़्यादा धूप है और मायरा को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मे बी धूप की वजह से, और थोड़ा सा ठंडा मौसम होता तो शायद वो इंजॉय कर पाती, बट इंजॉय नहीं कर पाई। ये है ताजमहल से ऊपर का व्यू, और यह है यमुना नदी, देखिए चारों तरफ से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बस यहाँ तक का ही इन्होंने शूट किया था, ये देखिए मायरा कितना परेशान हो रही है यहाँ पे। मम्मी के पास जा रही है, बहुत बड़े गलत तरह के बिगला हैंडीकैप को लेकर अंदर जाने के कोई रास्ता नहीं है, जाने नहीं देते, बहुत दिक्कत है। काम करते ना टायर वाला भी तो हमने यहाँ से वापसी कर ली थी क्योंकि ताजमहल नहीं देखने दिया गया तो फिर कुछ बचा नहीं था, बाहर ही बाहर से देख लिया था, अंदर से नहीं देख पाए। और मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगी कि विकलांगों को दिव्यांग नाम देने से उनकी परेशानियाँ और मुसीबतें ख़त्म नहीं हो जाती, या फिर थोड़ी सी पेंशन देने से उनको सारी खुशियाँ नहीं मिल जाती। और बहुत सी जगह है जहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाते मेरे जैसे लोग, जैसे कि यहाँ पे ठीक है ताजमहल मेला हो जाता है ये बात मैं मानती हूँ, बट आपने ऐसी व्हीलचेयर अवेलेबल करवानी चाहिए थी जिससे कि ताजमहल हम इंजॉय कर पाते। क्यों ऐसा तो नहीं, ये इम्पॉसिबल तो है नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी व्हीलचेयर आप बना सकें या अवेलेबल करवा सकें। तो दोस्तों मैंने यहाँ किया ताजमहल को बाय बाय, और प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। अभी भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ खाली फॉर्मेलिटी मारने आ जाएंगे, वेरी नाइस ही हाईलाइट देखकर ही और चले जाएंगे, बट इसको शेयर कीजिएगा ताकि मेरे बाद जो भी हैंडीकैप पर्सन यहाँ पे आए उनको इतनी परेशानी ना हो या उनका दिल ऐसे ना टूटे जितना मैं रोई, ऐसे कोई ना रोए और वो भी इंजॉय कर पाए। मैं बहुत मन से उतनी दूर से ताजमहल देखने के लिए आई थी और मेरा समय पैसे और सब कुछ यहाँ बर्बाद हो गया, और दुख हुआ सो अलग।
और हमने कर ली थी यहाँ से वापसी। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये मेरी वीडियो सबकी नज़र में आए और हैंडीकैप पर्सन इस तरह से परेशान ना हो।